जॉब पाई हेउ किमा स्टडी पाई सबु जगह रे रेसिडेंट सर्टिफिकेट दरकार पड़ी थे। जदि आपण पाखे गोटे लैपटॉप किमा कंप्यूटर अच्छी तेल आप घरे बसी निर्भुल भाव में रेसिडेंट सर्टिफिकेट पाई किपर आवेदन करें सर्टिफिकेट टी अप्रूव होगापर किपर डाउनलोड करें तार स्टेप बाय स्टेप ऑनलाइन प्रोसेस जानवाक चाहते आपन यही वीडियो को सपन्न देखु वीडियो टी स्टार्ट पूर्व आपन जदि आम चैनल नसंती चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु और पाखे घंटे मुझे दबाई दिंतु चलते वीडियो को स्टार्ट करवा। क्रोम ब्राउज़र को ओपन करूँ तापर एठार edistrict.odisha.gov.in लिखिक सर्च करूँ। बर्तमान आपड़ लगइन क्लिक करूँ। जदि आपखे यूजर आई डी पासवर्ड अच्छी तेरे लगइन करेंगे। जदि आपखे यूजर आई डी पासवर्ड ना तो आप डोंट हैव एन अकाउंट रजिस्टर हियर एठार क्लिक करूँ। बर्तमान एठार आपंकर फुल नेम को टाइप कर दिंतु तापर एठार आपंकर ईमेल आई डी को टाइप कर दिंतु तापर एठार मोबाइल नंबर टाइप करवाक पड़ो तापर एठार पासवर्ड देवाक पड़ो। एठार आप जो पासवर्ड टाइप करेंगे से पासवर्ड में कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर और किसी स्पेशल कैरेक्टर थी दरकार। तापर एठारे आपंकर स्टेट को सिलेक्ट कर दिंतु तापर एठार जो कैप्चा कोड टी शो करुच्ची कैप्चा कोड को आप फिलअप कर दिंतु तापर सबमिट रे क्लिक करूँ। ओके रे क्लिक करूँ। बर्तमान ईमेल आई डी गोटे ओटीपी जाइए से ही ओटीपी को एठार आप टाइप कर दिंतु तापर मोबाइल नंबर गोटे ओटीपी जाइए से ही ओटीपी को एठार आप टाइप कर दिंतु तापर बिल डेट रे क्लिक करूँ। बर्तमान देखु यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर शो करुँ क्लोज कर दिंतु। बर्तमान आपण मन में निश्चय प्रश्न थी थे यूजर आई डी पासवर्ड क्रिएट कलापर आम कतोटी सर्टिफिकेट अप्लाई करपरू यार आंसर होपड़ थे रजिस्टर कलापर आपन अनलिमिटेड सर्टिफिकेट बन पारे। जदि आप दुकान अच्छी तेल आप रजिस्टर करके समस्त कास्ट इनकम कि रेजिडेंट सर्टिफिकेट अप्लाई करेंगे। बर्तमान एठार मोबाइल नंबर को टाइप कर दिंतु तापर एठार आप पासवर्ड को टाइप कर दिंतु तापर एठार जो कैप्चा कोड टी शो करुच्ची आपड़ फिलअप कर दिंतु तापर आप तल को स्क्रोल करूँ एठार आप लगइन रे क्लिक करूँ। बर्तमान देखु लगइन हो जाठार आप्लाय फर सर्विसेस एठार क्लिक करूँ तापर आप व्यू ऑल अवेलेबल सर्विसेस एठार क्लिक करूँ तापर एठार आप ओडिशा को सिलेक्ट कर दिंतु तापर एठार सर्च रेसिडेंट लिखिक सर्च करूँ। देखु तीन नंबर आसीज इश्यूएस ऑफ रेसिडेंट सर्टिफिकेट एठार आप क्लिक करूँ। बर्तमान देखु एप्लिकेशन फॉर्म टी आसी जाठार टाइटल सिलेक्ट कराक पड़ो। जदि आप जड़े पुआ पिला आप स्त्री को सिलेक्ट करें। जदि आप जड़े झील पिला बाहा आप श्रीमती को सिलेक्ट करेंगे किंवा जदि आप झील पिला बाहा आप मिस को सिलेक्ट करें। देखु नेम ऑफ द एप्लिकेंट एठार आपंकर ना को टाइप कर दिंतु तापर एठार जेंडर सिलेक्ट करा पड़ो तापर एठार केते वर्ष होठार आप टाइप कर दिंतु तापर एठार फादर नेम टाइप कर दिंतु तापर एठार मोबाइल नंबर टाइप करा पड़ो तापर देखु एठार फोटो अपलोड करा पड़ो एठार आप जो फोटो टी अपलोड करेंगे से ही फोटोर साइज 20 KB 250 KB भितर हो दरकार जेपीईजी फॉर्मेट्रे होता दरकार। एठार आप चूज फायर क्लिक करूँ फोटो को सिलेक्ट कर दिंतु तापर आप ओपन क्लिक करूँ। बर्तमान देखु फोटो टी अपलोड हो जापर एठार मेस्टाल स्टेटस जदि आप बाहर अनमेरिड को सिलेक्ट करेंगे। ठार आधार नंबर ऑप्शन अटे फिलअप नक चलो तापर देखु मदर्स नेम एठार मार ना को टाइप कर दिंतु तापर देखु एठार ईमेल आई डी टाइप कराक पड़ो। रेसिडेंट सर्टिफिकेट टी अप्रूव होगापर सर्टिफिकेट पीडीएफ टी ईमेल आसीजाक डाउनलोड करके प्रिंट आउट काढ़े एठार आप करेक्ट ईमेल आई डी टाइप कर दिंतु तापर आप तल को स्क्रोल करूँ। देखुठे प्रेजेंट एड्रेस फिलअप करा पड़ो आप जोठे रोचे से ही जगार एड्रेस आप फिलअप करेंगे। जदि आप बाहर रोचिक भड़ा घरे रोचार आप एड्रेस फिलअप करेंगे किंतु से आपण आधार कार्ड कि भोटर कार्ड से ही एड्रेस थी दरकार। एठार डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर दिंतु तापर एठार तहसिल को सिलेक्ट कर दिंतु तापर एठार विलेज को सिलेक्ट कर दिंतु तापर एठार आर आई सिलेक्ट करा पड़ो तापर देखु विलेज नॉट इन लिस्ट। जदि यही लिस्ट रे आपण गाँव ना टी शो करूना तेल आपड़े क्लिक हिरे क्लिक करके गाँव ना को टाइप करें कि मुझे एप्लाय करुँ गाँ ना टी एठार शो करुच्ची मुझे क्लिक हिरे क्लिक करूना तापर एठार पुलिस स्टेशन ना को टाइप कर दिंतु तापर एठार पोस्ट ऑफिस ना को टाइप कर दिंतु तापर एठार पिन कोड को टाइप कर दिंतु तापर यही एड्रेस केते वर्ष एवं केते मास रही एठार फिलअप करा पड़ो। यह जानवापी आपण गूगल रे एज कैलकुलेटर
लेखिकी सर्च करूँ आप प्रथम वेबसाइट को ओपन करनी आपण यही एड्रेस केबे ठारु रहउछंती एठारे आपण सिलेक्ट कर दियंतु तापरे कैलकुलेट रे क्लिक करंतु वर्तमान देखंतु आपण केते वर्ष एवं केते मास रहिछंती एठारे डिटेल्स रे शो करूछि एठारे आपण फिलअप कर दियंतु जदि आपण जन्मरु गाँव ही रहउछंती ताहेले एठारे आपण डेट ऑफ बर्थ टाइप कला परे आपण कैलकुलेट रे क्लिक कला परे आपण को केते वर्ष एवं केते मास होउछि एठारे डिटेल्स रे आसी जिवो एवं एठारे आपण फिलअप करि परिबे तापरे आपण तळकु स्क्रोल करंतु देखंतु एठारे परमानेंट एड्रेस फिलअप कराक पडिबो जदि आपणकर प्रेजेंट एड्रेस एवं परमानेंट एड्रेस सेम ताहेले एठारे आपण येस को सिलेक्ट करि परिबे देखंतु एठारे येस को सिलेक्ट कला परे ऑटोमेटिक फिलअप हो जिवो जदि आपणक प्रेजेंट एड्रेस एवं परमानेंट एड्रेस अलग अलग ताहेले आपण एठारे नो को सिलेक्ट करिके एठारे परमानेंट एड्रेस को फिलअप करि परिबे बहुत जणकर जमीपटा अलग जगार थाए एवं सेमाने बाहरे रही थांती परमानेंट एड्रेस रे जमी पट्टाटी जो जगार अच्छे से ही एड्रेस फिलअप करा पड़ो एवं प्रेजेंट एड्रेस रे आपण जो जगार रोचंती से ही एड्रेस फिलअप करा पड़ो किंतु एथिपाई आपण को आधार कार्ड रे किबा वोटर कार्ड रे प्रेजेंट एड्रेस रे आपण जो एड्रेस टी देबे से ही एड्रेस टी थिबा दरकार तापर आपण तळकु स्क्रोल करंतु जदि आपण 18 वर्ष रु कम पिला मानकर रेसिडेंट सर्टिफिकेट अप्लाई करचंती ताले एठार आपण येस को सिलेक्ट करि परिबे एवं एठारे बापार ना एवं एठारे रिलेशन रे फादर दे परिबे जदि आपण 18 वर्ष रु अधिक पिला मानकर अप्लाई करचंती ताले एठारे आपण नो को सिलेक्ट करि परिबे मु जार अप्लाई करूची तांको 18 वर्ष रु कम हेछि सेति पय मठारे तांको बापार ना को टाइप कर देउची तापर एठारे रिलेशन रे फादर टाइप कर देउची तापर देखंतु परपोज आपण कोन पय रेसिडेंट सर्टिफिकेट अप्लाई करचंती एठारे आपण टाइप कर दंतु जदि आपण स्टडी पय अप्लाई करछंती तार एठारे आपण हायर स्टडी टाइप करि परिबे जदि आपण जॉब पय अप्लाई करछंती तार एठारे आपण जॉब लेखि परिबे तापर आपण तळकु स्क्रोल करंतु वर्तमान ठारे प्लेस रे आपण को गांर ना को टाइप कर दंतु तापर एठारे आपण आइग्री रे टिक करंतु तापर एठारे जो कैप्चा कोड टी शो करूची एहा को आपण एठारे फिलअप कर दंतु तापर आपण सबमिट रे क्लिक करंतु वर्तमान एठारे आपण सबुथरे चेक कर दंतु बहुत जणकर डाउट थाए बिवाहिता महिला मानकर रेसिडेंट सर्टिफिकेट केमिति अप्लाई करा जिवो देखंतु जे माने बिवाहिता महिला तांकर प्रेजेंट एड्रेस रे हजबैंड साइड रो एड्रेस रहइबो एवं परमानेंट एड्रेस रे हजबैंड साइड रो एड्रेस रहइबो एवं एठारे जों केते वर्ष एवं केते मास रहिछंती ताहा जानिबा पई जे दिन बाहा होइछंती सेही डेट को एठारे टाइप कर देबे तापर कैलकुलेटर रे क्लिक कला परे प्रेजेंट एड्रेस रे केते वर्ष एवं केते मास रहिछंती एठारे डिटेल्स रे आसी जिवो जदि एठारे किछि भी भूल अछि ताहेले एठारे आपण एडिट रे क्लिक करिके करेक्शन करि परिबे किमा जदि सब ठीक अछि ताहेले एठारे आपण अटैच एनेक्सर एठारे क्लिक करंतु वर्तमान एठारे डॉक्यूमेंट अपलोड करबो पड़िबो एठारे देखंतु डॉक्यूमेंट टू बी अटेस्टेड एठारे देखंतु बहुत सारा डॉक्यूमेंट रो लिस्ट दिया जायछि आपण जे कोनसी गोटे को सिलेक्ट करि परिबे मोठारे आधार कार्ड को सिलेक्ट कर देउछि तापर एठारे आपण चूज फायर रे क्लिक करंतु आधार कार्ड को सिलेक्ट कर दंतु तापर ओपन रे क्लिक करंतु एठारे आपण जे डॉक्यूमेंट टी अपलोड करिबे सेही डॉक्यूमेंट रो साइज 1 MB रु कम होइतबा दरकार एवं पीडीएफ फॉर्मेट रे होइतबा दरकार जदि जमीपटाटी आपणक बापांक नारे अछि ताले ठारे आपणक आधार कार्ड अपलोड करबाक पड़िबो जदि जमीपटाटी आपणक जेजेबापांक नारे अछि ताले ठारे आपणक आधार कार्ड एवं आपणक बापार आधार कार्ड को गोटे पीडीएफ रे अटैच करिकि अपलोड करबाक पड़िबो किंबा जदि जमीपटाटी आपणक जेजेबापांक बापांक नारे अछि ताहले ठारे आपणक आधार कार्ड आपणक बापांक आधार कार्ड एवं आपणक जेजेबापांक आधार कार्ड किंवा वोटर कार्ड को गोटे पीडीएफ रे अटैच करिकि एठारे अपलोड करबाक पड़िबो बहुत जणकर जमीपटाटी जेजेबापा किंवा अणजेजेबापांक नारे थाए तांकर आधार कार्ड किंवा वोटर कार्ड जदि मिलू नाही ताहले आपण डेथ सर्टिफिकेट को अपलोड करिपारिबे किंवा जदि आपण डेथ सर्टिफिकेट मध्ये पाउ नाहंती ताहले सरपंच लेखा आपण अपलोड करिपारिबे एठारे आपण जेउ आधार कार्ड गुडीको गोटे पीडीएफ रे अटैच करिकि अपलोड करिबे ताहा जमीपटा सहित रिलेशन मैच होतबा दरकार तापरे एठारे आपण अदर को सिलेक्ट कर दंतु एठारे आपण आरओआर एंड डिक्लेरेशन टाइप कर दंतु आरओआर मीन्स रेकॉर्ड ऑफ राइट माने जमीपटा एठारे आपण चूज फायर रे क्लिक करंतु जमीपटा एवं डिक्लेरेशन फॉर्म को आपण गोटे पीडीएफ रे अटैच कर देबे तापर आपण ओपन रे क्लिक करंतु आपण जते बेले जमीपटा को स्कैन करछंती फ्रंट साइड एवं बैक साइड आपण स्कैन करिकि गोटे पीडीएफ रे अटैच कर देबे एवं सेही पीडीएफ रे डिक्लेरेशन फॉर्म को मध्ये अटैच कराकु पडिबो जदि आपणक पाखरे जमीपटा नाही ताले आपण राशन कार्ड एवं सरपंच लेखा आपण ठारे अटैच करिकि अपलोड करि परिबे किमा जदि आपणक पाखरे जॉब कार्ड अछि ताले आपण ठारे जॉब कार्ड मध्ये अपलोड करि परिबे देखंतु मु आपणक डिक्लेरेशन फॉर्म टी देखे देउछि देखंतु एहा होछि डिक्लेरेशन फॉर्म एहार लिंक
लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाव आपन डाउनलोड करके प्रिंटर पाइनंतु एवं आपन ठारे एहाकु फिल अप करके जमी पट्टा सांगरे अटैच कर देबे एवं अपलोड कर देबे। जदि आपन 18 वर्षरो कम पिला मानकर रेसिडेंट सर्टिफिकेट अप्लाई करसंती ताले ठारे डिक्लेरेशन फॉर्म टी बापांको नारे फिल अप हेबो एवं जदि आपन 18 वर्षरो अधिक पिला मानकर अप्लाई करसंती ताले ठारे डिक्लेरेशन फॉर्म टी जहार अप्लाई करसंती तांको नारे अप्लाई हेबो एवं सिग्नेचर मध्य एठारे तांकर करा जिवो। एही डिक्लेरेशन फॉर्म टी फिल अप करके जमी पट्टा सांगरे अटैच करबा जरूरी नुहे। जदि जमी खजणार पाउतीटी आपणक पाखरे अछि ताहाले ताहा मध्ये आपण एठारे पीडीएफ अटैच करके अपलोड कर देबे। देखंतु एठारे डिक्लेरेशन फॉर्म किमा जमी खजणार पाउतीटी एठारे अटैच करबा जरूरी नुहे, किंतु केते गुडी तहसील ऑफिस रे जदि आपण डिक्लेरेशन फॉर्म एवं जमी खजणार पाउतीटी जमी पट्टा सांगरे अटैच करूनांती ताहाले सेमाने रिजेक्ट कर दियंती। सेथि पय मु कहूछि जदि आपणक पाखरे जमी खजणार पाउती अछि ताहाले आपण जमी पट्टा सांगरे अटैच कर देबे एवं डिक्लेरेशन फॉर्म टी मध्ये अटैच कर देबे। केते गुडी तहसील ऑफिस रे डिक्लेरेशन फॉर्म एवं जमी खजणार पाउती नदेले मध्य अप्रूव कर दिखती। यह तहसील अफिस डिपेंड से चाहिए डिक्लेरेशन फॉर्म नदेले मध्य अप्रूव करेंगे और रिजेक्ट करें टोटाली तहसील अफिस डिपेंड। किंतु मुझे आपको डिटेल्स बतई दूसरी जहाद्वारा कि आप जदि सब डॉक्यूमेंट ठीक ठाक देखते आपंकर सर्टिफिकेट रिजेक्ट होबार चांस ना आपंकर सर्टिफिकेट 100% अप्रूव हो। बर्तमान आपंक मन में डाउट थोड़ा जो मैंने बहिता महिला डॉक्यूमेंट ठेक कौन दिज्व डॉक्यूमेंट सेम रही जमीपटा टी हजबैंड साइड अपलोड कर जो आधार कार्ड कि वोटर कार्ड गोटे पीडीएफ अटैच करके अपलोड करेंगे ता जमीपटा जार ना अच्छी सहित रिलेसन हो दरकार। तापर आपड़ सेव एंड एक्सोर एठार क्लिक करूँ। बर्तमान एठार सब थे चेक कर दिंतु जदि सब ठीक अच्छे ताहले एठारे आपण सबमिट रे क्लिक करंतु। वर्तमान देखंतु ठारे सक्सेसफुली सबमिट हो जाय छि एवं रिसीप्ट मध्ये आसी जाय छि। जदि आपण एहि रिसीप्ट को प्रिंट आउट करबा को चाहचंती ताहले एठारे आपण एक्सपोर्ट टू पीडीएफ रे क्लिक करंतु। वर्तमान देखंतु पीडीएफ डाउनलोड हो जाय छि एठारे आपण क्लिक करंतु। वर्तमान आपण एहाकु प्रिंट आउट काढि के रखि परिबे। बहुत जणकर डाउट रहिथाय एहि रिसीप्ट नै कि तहसील ऑफिस किमा आरआई ऑफिस जिबा को पडिबो कि। देखंतु मु आपण को कहि दउ छि एहि रिसीप्ट नै कि कौनसी तहसील ऑफिस किमा आरआई ऑफिस जिबा को पडिबो नै। सर्टिफिकेट टी अप्रूव हेला परे आपणक ईमेल आईडी रे आसी जिवो एवं आपण सेठारु डाउनलोड करके प्रिंट आउट काढ़ी पारे। देखंतु एठारे गोटे रिफरेंस नंबर दिया जाय छे। एही रिफरेंस नंबर द्वारा आपण सर्टिफिकेट स्टेटस चेक करिपारिबे एवं देखंतु एठारे गोटे ड्यू डेट दिया जाय छे। एही ड्यू डेट भितरे जदि सर्टिफिकेट अप्रूव हो नाही ताहेले आपण टोल फ्री नंबर रे कॉल करके कंप्लेंट दे पारिबे। जदि आपण सर्टिफिकेट स्टेटस चेक करबाकु चाहचंती ताहेले आपण ई डिस्ट्रिक्ट रो होम पेज को चली आसंतु। तापर आपण तळकु स्क्रोल करंतु। देखंतु एठारे चेक योर एप्लीकेशन स्टेटस एठारे क्लिक करंतु। बर्तमान ठारे थ्रू एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर एहाकु सिलेक्ट कर दंतु। तापर एठारे आपण एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर को टाइप कर दंतु। तापर देखंतु ट्रैक थ्रू एठारे आपण एप्लीकेशन सबमिशन डेट किमा डिलीवरी डेट को सिलेक्ट करि परिबे। आपण जे कोन से गोटे को सिलेक्ट कर दंतु। म ठारे एप्लीकेशन सबमिशन डेट को सिलेक्ट कर दउ छी। तापर देखंतु एप्लीकेशन सबमिशन डेट आपण केउ डेट रे रेसिडेंट सर्टिफिकेट पई अप्लाई करछंती सेही डेट को ठारे सिलेक्ट कर दंतु। तापर एठारे जो कैप्चा कोड टी शो करूची एहाकु आपण ठारे फिल अप कर दंतु। तापर सबमिट रे क्लिक करंतु। वर्तमान आपण तळकु स्क्रोल करंतु। वर्तमान देखंतु ठारे योर एप्लीकेशन हैज बीन एक्सेप्टेड एंड सेंट टू द कंसर्न ऑफिशियल शो करूची। जदि सर्टिफिकेट अप्रूव हो जाऊँ ताहले ठारे स्टेटस रे इमीडिएट डिस्पोजल रे एठारे डिलीवर शो करिवो। जदि एठारे डिलीवर शो करूची ताहले आपणकर सर्टिफिकेट टी अप्रूव हो जाइछि। आपण ई डिस्ट्रिक्ट वेबसाइट रे लॉगिन कर दंतु। तापर आपण व्यू स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन एठारे क्लिक करंतु। एठारे आपण ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस एठारे क्लिक करंतु। वर्तमान ठारे एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर रे आपणको जो रिसीप्ट रे रेफरेंस नंबर टी मिलितला सही रिफरेंस नंबर को ठारे टाइप कर दंतु। तापर आपण गेट डाटा एठारे क्लिक करंतु। वर्तमान देखंतु ठारे करंट स्टेटस रे डिलीवर शो करूची एठारे आपण क्लिक करंतु। वर्तमान देखंतु ठारे स्टेटस टी शो करिवो। देखंतु ठारे इमीडिएट डिस्पोजल रे एठारे सर्टिफिकेट टी अप्रूव हो जायछि एवं एठारे स्टेटस रे डिलीवर शो करूची। एठारे आपण रेसिडेंट सर्टिफिकेट एठारे क्लिक करंतु। वर्तमान देखंतु ठारे पीडीएफ डाउनलोड हो जायछि एठारे आपण क्लिक करंतु। आपण याकु प्रिंट आउट काढ़ी सब जगार व्यवहार करिपारिबे। बहुत जणकर डाउट रही थाए जे एही सर्टिफिकेट टी प्रिंट आउट काढ़ला परे तहसील ऑफिस किंवा आरआई ऑफिस रु स्टाम्प एवं सिग्नेचर करबा को पड़ो कि। देखंतु एठारे क्लीयरली लिखाई दिस इज ए डिजिटली साइंड डॉक्यूमेंट एंड डज नॉट रिक्वायर सिग्नेचर। एठारे ऑलरेडी डिजिटल सिग्नेचर अच्छी सेथिपाय एठारे कौनसी प्रकार पेन रे सिग्नेचर किंवा सील देबा को पड़ो नाही। एही रेसिडेंट सर्टिफिकेट टी अप्रूव हेबा पई 15 रु 30 दिन समय लागि थाए, किंतु एहा टोटली आपणकर तहसील एवं आरआई ऑफिस उपर डिपेंड। जदि से चाहिबे ताले गोटे दिन रे मध्ये अप्रूव कर देबे। जदि ड्यू डेट भितरे सर्टिफिकेट टी अप्रूव हो नाही ताले आपण टोल फ्री नंबर रे कॉल करके कंप्लेंट दे पारिबे। जदि आपणकु रेसिडेंट सर्टिफिकेट टी अर्जेंट दरकार हेउछि ताले आपण एही रिसीप्ट नै कि तहसील ऑफिस जाई पारिबे एवं सेठारे आपणकु कोन पई
सर्टिफिकेट अर्जेंट दरकार अच्छी ताहा बतेला परे तेमाने सांगे सांगे रेसिडेंट सर्टिफिकेट अप्रूव कर देबे। जदि आपनकु सर्टिफिकेट अर्जेंट दरकार पडुना हे ताले आपन किछि दिन वेट करंतु। रिसीप रे जों ड्यू डेट अछि सेही ड्यू डेट भितरे 100% आपनकर सर्टिफिकेट अप्रूव होइ जिवो। एहिपरि भाबरे आपन रेसिडेंट सर्टिफिकेट पई ऑनलाइन अप्लाई करि परिबे एवं डाउनलोड मध्ये करि परिबे। जदि वीडियोटी भल लागिला ताले वीडियोकु लाइक करंतु एवं आपन चैनलकु सब्सक्राइब कर दंतु।